वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डिजिटल क्लॉक कैसे क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन आपको पता हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी इन्फ्लुएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलें वीडियो की तरफ जाने से पहले कहता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए थैंक्स। चलें चलते हैं। मैंने ना इस पर ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ मैं आपको समझा भी देता हूँ और प्रोग्राम दिखा भी देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये मैंने क्लॉक बनाई, ठीक है, डिजिटल क्लॉक का मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी कोड काट के रखा हुआ। ठीक है, ये देखें, पहले तो सबसे पहले ये तो एक पैकेज है ना, आपको पता है, टिक इंटर। ठीक है, टिक इंटर ये एक पैकेज है, ये हमने मैंने तो ऑलरेडी लगाया हुआ पैकेज। ठीक है, इस पैकेज को यहाँ से आपने ऐसे लगाना पिप इंस्टॉल टिक इंटर इंटर। ठीक है, ये आपने इसे लगा लेना, तो ये मैंने तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो आप काट लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, आपको मैं बताऊंगा फिर इसका इंपोर्ट करना है टिक को, फिर लेबल लगाना है। ठीक है, फिर टाइम लगाना है, एस वाई एस सेटिंग लगानी। ठीक है, फिर डिजिटल क्लॉक और ये टाइम वगैरह और ये जो इसकी क्लॉक आफ्टर डिवाइडिंग, ये इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है और ये इसका साइज़ है, ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, और ये टेक्स्ट कलर है। ठीक है, तो ये बाकी प्रोग्राम है, आप देख लें, मैं आपको इसका सोर्स कोड भी दे दूंगा। ठीक है, पहले तो मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने क्लॉक आ गई, ठीक है, डिजिटल क्लॉक। तो इसे मैं ऑफ़ करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम इसे मैक्सिमम मिनिमाइज अगर छोटा बड़ा कर सकें तो कर भी वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसे 100 पे कर 115 पे कर दूँ, 150 पे कर दूँ। ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा हो गया। अब मैं इसे बैक करता हूँ, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं लग देता हूँ पिंक। ठीक है, तो इसका मैं वाइट कार्ड वाइट रहने देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल आर। ठीक है, या आप देख सकते हैं पिंक बैकग्राउंड कलर हो गया। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि काफ़ी कुछ इससे काम लिया जा सकता है। ठीक है, मैं इधर अब करता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन करता हूँ, फिर कंट्रोल एस करता हूँ, फिर कंट्रोल आर करता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ग्रीन बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ, अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करूँ, तो इससे भी मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, ब्लैक में कर देता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, तो ये छोटे छोटे सिंपल से काम है। ये देखें ना, ऑलरेडी ओपन है, तो मैं कोड लगा रहा हूँ, इससे पहले बंद करना होता है फिर हम लगाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं हम ब्लैक हो गया, तो ये देख बस इतना सही है, मतलब इससे हम काफ़ी कुछ डिजिटल क्लॉक हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, जो मेरा टाइम चल रहा है वही एज इट इज़ यहाँ भी शो करा रहा है। ठीक, और मैं अगर इसे चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ, मान ले कि 50 पे ले गया। ठीक है, ये देखें, छोटा बिल्कुल छोटा सा हो गया। ठीक है, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।